दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सीवेज पाइप से खूबसूरत घर बनाए जा सकते हैं और इसका स्टार्टअप भी शुरू किया जा सकता है? अगर नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी देने वाली हूँ। एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूँ जो कि सीवेज पाइप से खूबसूरत घर बनाकर अपना बिजनेस कर रही हैं और लाखों में कमाई कर रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेता टेक टिप्स। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बिल्कुल यूनिक। आज हम आपको एक यूनिक बिजनेस आइडिया देने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। भारत में आवास या अपना घर ना होना एक बड़ी समस्या है। एक रिसर्च के अनुसार भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है। गरीबी और सुविधाओं के अभाव में कई लोग झुग्गी झोपड़ी तो कई बेकार पड़े शिपिंग कंटेनरों और सीवेज पाइप में रहने को मजबूर हैं। ऐसे ही लोगों के लिए तेलंगाना की मानसा रेड्डी सीवेज पाइप से ओ पॉट ट्यूब हाउस बना रही हैं, जो किफायती होने के साथ काफी सुंदर है, जिसे एक जगह से दूसरे जगह आसानी से शिफ्ट भी किया जा सकता है। मानसा ने इसी साल जनवरी में सैम नवी कंस्ट्रक्शंस नाम से स्टार्टअप शुरू किया है। अब तक मानसा और उनकी टीम ने तकरीबन 200 से ज्यादा ट्यूब हाउस, रेस्टोरेंट, कॉटेज, रिजॉर्ट्स और क्लिनिक देश के कई शहरों में बनाकर इंस्टॉल करवा चुकी हैं। मानसा ने अपने स्टार्टअप के जरिए 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है और हर महीने लाखों की कमाई कर रही है। 24 साल की मानसा रेड्डी तेलंगाना के बोमकल की रहने वाली है। मानसा ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। लोगों की मदद करने के मकसद से मानसा अक्सर स्लम एरिया जाया करती थी। वो बताती हैं कि मैंने वहां कई परिवार को देखा है जिनमें बच्चे बूढ़े शामिल थे। उनके पास अपना घर नहीं था और वे स्टील की शीट और बड़े प्लास्टिक के कवर से बने अस्थायी घरों में रह रहे थे। ऐसे भी कुछ लोग थे जो शिपिंग कंटेनरों में तो कुछ सीवेज पाइप में रहते थे। इन लोगों को देखकर मुझे सीवेज पाइप से घर बनाने का आइडिया आया, जिसे कम लागत में बनाया जा सके और जिसमें सभी बुनियादी सुविधाएं हो। मानसा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 2021 में समनवी कंस्ट्रक्शंस नाम से अपने स्टार्टअप की शुरुआत की और कुछ ही महीनों में लोगों की जरूरत के अनुसार ओ पॉड हाउस, रेस्टोरेंट, कॉटेज, रिजॉर्ट्स और क्लिनिक बनाना शुरू कर दिया। मानसा बताती हैं कि पॉड स्टाइल यानी गोल आकार के छोटे घर बनाने का ख्याल उन्हें जापान और हांगकांग के कम लागत वाले घरों के बारे में महीनों तक रिसर्च करने के बाद आया। हालांकि मानसा का कहना है कि जापान और हांगकांग के ओ पॉड हाउस की तुलना में उनके हाउस कई मायनों में बेहतर हैं। मानसा बताती हैं कि जापान के ओ पॉड हाउस ज्यादातर बैचलर लोगों की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाता है, जबकि हम फैमिली और उनकी जरूरतों के हिसाब से घर बनाते हैं। हम इन ओ पॉड हाउस को बनाते समय कई बातों का ध्यान रखते हैं, खासकर तापमान का, ताकि हर मौसम में रहने के लिए आरामदायक हो। मानसा बताती है कि इन सीवेज पाइपों को तेलंगाना के एक मैन्युफैक्चरर से स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया जाता है। ये पाइप हमारी जरूरत के हिसाब से छोटे बड़े सभी साइज में तैयार किए जाते हैं। मानसा का स्टार्टअप इसी साल जनवरी में शुरू हुआ और बहुत ही कम समय में काफी लोगों को ये ओ पॉड हाउस पसंद आने लगा है। मानसा बताती है कि करीब 11 महीनों में ही लोगों की जरूरत के अनुसार 200 से ज्यादा ओ पॉड ट्यूब हाउस बनाए गए हैं। इन ट्यूब हाउस में बेडरूम, किचन, बाथरूम और डाइनिंग एरिया सहित सभी जरूरी सुविधाएं हैं। मानसा बताती है कि हमने शुरुआत 1 BHK बनाने से की, जिसमें 3 लोगों का परिवार आराम से रह सकता है। फिर धीरे धीरे बड़े घर बनाने लगे। अब तो कस्टमर की जरूरतों के मुताबिक से 1 BHK से लेकर 5 BHK ओ पॉड ट्यूब हाउस बनाए जाते हैं। सिर्फ हाउस ही नहीं बल्कि ओ पॉड, रेस्टोरेंट, कॉटेज, रिजॉर्ट्स और क्लिनिक भी बनाए जा रहे हैं, जिन्हें तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इंस्टॉल किया गया है। हमारे पास और भी ऑर्डर आ रहे हैं जिन पर काम चल रहा है। किसी भी घर को बनाते समय उनकी मजबूती का खास ध्यान रखा जाता है। ओ पॉड हाउस की मजबूती के बारे में मानसी बताती हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी 120 साल है, जबकि उन्होंने अपने कस्टमर को ओ पॉड हाउस की गारंटी 80 साल दी है। मानसा कहती हैं कि आमतौर पर सीवेज पाइप बहुत मजबूत होते हैं और हम ओ पॉड हाउस के लिए जो सीवेज पाइप बनवाते हैं उनमें और भी कई खासियतें होती है। ये कई सालों तक बिना किसी रुकावट के चलेगा।
इस पाइप की ऊंचाई का भी खास ध्यान रखा गया है ताकि किसी आदमी को अंदर खड़े होने के लिए ठीक से जगह मिल पाए। घर को गर्मी से बचाने और ठंडा रखने के लिए घर के बाहर की सतह पर सफेद पेंट का इस्तेमाल किया। ऐसे में हमने सभी बातों का ध्यान रखा है ताकि ये ओ पॉड हाउस कम से कम 80 साल चले। घर बेचने के बाद तकरीबन 1 साल तक हम फ्री में सर्विसिंग देते हैं और इसके बाद भी हम कस्टमर से जुड़े रहेंगे। मानसा ओ पॉड हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत अपनी माँ से 5 लाख रुपए उधार लेकर किए थे और इन पैसों से उन्होंने पाइप, घर के दरवाजे, खिड़की के फ्रेम, बाथरूम और बिजली की फिटिंग तथा बाकी जरूरत का सामान भी खरीदा। मानसा कहती है कि मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया और माँ ने मुझे स्टार्टअप शुरू करने में आर्थिक मदद की। मैंने फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान ही एक मैन्युफैक्चरर से बात करके एक लंबा सीवेज पाइप तैयार कराया। उन्होंने मुझे 2 सीवेज पाइप को जोड़कर एक बड़ा पाइप बनाकर दिया। मानसा 1 BHK फर्निशिंग हाउस 3 लाख रुपए में तैयार करती हैं और फिर लोगों की जरूरत के अनुसार साइज और सुविधा बढ़ाई जाती है और उसकी कीमत भी वैसे ही तय की जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको एक यूनिक बिजनेस आइडिया देखने को मिला। अगर आप भी इस तरह का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसी तरह के बिजनेस आइडिया के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हम आपसे जल्द मिलते हैं एक और बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।